सुप्रभात, धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा है जो पूरे देश में चल रहे पीएल पानीकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के बीच रीडिंग और डिजिटल रीडिंग को पहुंचाया जा सके। आज की यह कहानी मैं सिद्धि कुमारी कक्षा 4 की छात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने यह साबित किया है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। दशरथ मांझी बिहार के गया के करीब गहलौर गांव के एक गरीब मजदूर थे। वे कम उम्र में ही धनबाद के कोयले की खान में काम करने लगे। बड़े होने पर उन्होंने फाल्गुनी देवी नामक लड़की से शादी कर ली। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई। पहाड़ की दूसरी ओर अस्पताल था, जो करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर था। दूरी होने के कारण उन्हें सही समय पर उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनका निधन हो गया। यह बात उनके दिल को लग गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने यह संकल्प लिया कि वह खुद अकेले अपने दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने खुद अकेले ही 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। 22 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। एक इंसान जिसके पास ना ही पैसा था ना ही ताकत थी, उसने एक पहाड़ खोद दिया। इनकी जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं, अगर हम में उस काम को करने की जिद है। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों एवं मित्रों को भेजें और उनसे भी एक कहानी 10 मित्रों को भेजने की अपील करें। हम फिर आएंगे अगले रविवार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पे ही पढ़ें एवं बढ़ें। धनबाद पब्लिक स्कूल, अ हैप्पी स्कूल। धन्यवाद।